Good morning, students. Yesterday, I have discussed with you functions of Supreme Court and High Court. Judiciary, we have covered judiciary here. Now, the topic related to judiciary, that is public interest litigation, PIL. कल मैंने लोक अदालत बताया था बेटा, लोक अदालत, then PIL. PIL इसकी full form क्या होती है? Public interest litigation. ठीक है, एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव टू द कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द पुअर पीपल. यानी कि ये में बेसिकली जो है, जो पुअर पीपल होते हैं, जो एडवोकेट्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी पर्सन इनके बिहाफ पे एक पीआईएल फाइल कर सकते हैं. क्या बोलते हैं इसको? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL. क्या बोलते हैं इसको? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. ठीक है, कौन फाइल करता है? एनी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन कैन फाइल PIL ऑन द बिहाफ ऑफ द पुअर पीपल. क्लियर? तो ये एक तरह से पेटिशन होती है, रिटर्न रिक्वेस्ट. PIL इज काइंड ऑफ पेटिशन. एक एप्लीकेशन, एक रिटर्न रिक्वेस्ट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी पर्सन या कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी दूसरे पर्सन के लिए पीआईएल फाइल करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करता है, कोर्ट जो है वो जिस भी इंस्टीट्यूशन या जिस भी पर्सन ने उस पुअर पीपल के अगेंस्ट किसी भी तरह से कोई भी एक्शन या कोई भी, जिसे हम कहते हैं कि मिसबिहेव किया है, तो कोर्ट जो है उनके उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन या उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेता है. ठीक है, इट मीन्स अगेन आई एम रिपीटिंग, PIL एक तरह से क्या होती है, एक एप्लीकेशन होती है, रिटर्न रिक्वेस्ट होती है. PIL जो, अगर सपोज जो बहुत पुअर पीपल हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, है ना, कई बार क्या होता है एडवोकेट की फीस जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे में कोई और पर्सन या कोई और ऑर्गेनाइजेशन या NGO, NGO क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्सन के बिहाफ पे PIL फाइल कर सकती है, पटिशन फाइल कर सकती है. ठीक है, और ये एक तरह से रिटर्न रिक्वेस्ट होती है उस पर्सन के लिए. ठीक है, और कोर्ट फिर इसमें इंटरफेयर करता है, कोर्ट इंटरफेयर करता है, कोर्ट प्रिवेंट करता है, कोर्ट उस पर्सन के राइट्स को जो है वो प्रिजर्व करता है. और इस तरह से कोई भी इंस्टीट्यूशन उस पर्सन के अगेंस्ट किसी भी तरह से अपनी पावर्स को मिसयूज नहीं कर सकते. तो ये भी शॉर्ट में इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि PILs क्या होती है. देन लोक अदालत, मैंने आपके साथ कंसेप्ट डिस्कस किया था कि लोक अदालत क्या होता है. अल्टीमेटली लोक अदालत में जो डिले प्रोसेस होता है उसको अवॉइड किया जाता है. और इसका मेन मोटिव क्या था गवर्नमेंट का, क्यों एस्टेब्लिश की गई थी? स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि जो लोग हैं उनका टाइम बचे, जो पुअर पीपल हैं वो जो एडवोकेट की फीस जो है अफोर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, तो ऐसे जो केसेस होते हैं इनका निपटारा बहुत जल्दी हो जाता है. बेंचेस मतलब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जाती है इनके साथ. बेसिकली डेट आपको याद रखनी है, कौन सी डेट, 6 अक्टूबर 1985 को लोक अदालतें फर्स्ट टाइम स्टार्ट की गई थी दिल्ली पे, और उसके बाद ये सक्सेसफुल रही. बेसिकली इसमें कौन कौन से केसेस आते हैं? कंज्यूमर रिलेटेड केसेस, जो कंज्यूमर की एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड केसेस होते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. सपोज अगर कोई पर्सन है वो क्लेम करता है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आया है, तो अल्टीमेटली वो केस करेगा, केस फाइल करेगा, तो ऐसे केसेस यहाँ पे डिस्कस होते हैं. टेलीफोन बिल, अगर पर्सन ने टेलीफोन बिल जो है, ठीक है, सपोज उसके घर में टेलीफोन लैंडलाइन ही नहीं है लेकिन उसके घर में बिल आ गया, तो ये भी एक तरह से केस फाइल कर सकता है ना. देन इंश्योरेंस क्लेम, किसी पर्सन ने इंश्योरेंस करवाई लेकिन उसको क्लेम नहीं मिला, है ना, तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जो लोक अदालतों में जो है वो आते हैं. ठीक है, तो नाउ द चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, दिस चैप्टर हैज बीन फिनिश. तो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिवाइज whole of the chapter according to concept map. So try to make concept map according to that and learn all the topics so that if any lecture is missed you can understand properly. ठीक है, और इसके लिए आपने proper जो है इसका concept map बनाना है. ठीक है, working of institutions, कौन से institutions? political institutions. political institutions कौन से होते हैं?
पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। तो इसमें हमने मेन बताना है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे आर सेपरेट, ये सेपरेट होते हैं। इंस्टीट्यूशंस यानी कि गवर्नमेंट के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग तरह से जो है वो हमारी कंट्री में अरेंजमेंट्स बनाए गए हैं, उनको कहा जाता है इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूशंस को प्रॉपर गाइडलाइंस जो हैं वो कहाँ से मिलती हैं, रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी कि जो भी गाइडलाइंस इन इंस्टीट्यूशंस को मिलती हैं, ऑल द गाइडलाइंस हैव बीन रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशंस मतलब ऑर्गन्स, गवर्नमेंट ऑर्गन्स, गवर्नमेंट ऑर्गन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्लियर। अब इसके बाद गवर्नमेंट, लाइक आरएल हैज आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट हैव द पावर टू मेक एंड इम्प्लीमेंट एंड, अब ये तीनों गवर्नमेंट ही हैं। गवर्नमेंट हैज अ पावर, गवर्नमेंट इज सेट ऑफ पीपल हु मेक लॉज, एग्जीक्यूट लॉज एंड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब हम तीनों को ऐड करेंगे, गवर्नमेंट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। क्या है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। गवर्नमेंट इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट मेक लॉज, लेजिस्लेचर जो है मेक लॉज, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को, ठीक है, एंड जुडिशरी क्या करती है, इंटरप्रेट करती है। इंटरप्रेट का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पूरा जो है वर्क उसको एडमिनिस्टर करती है, ठीक है, सिटीजन्स जितने भी सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स को कंट्रोल करती है, और एक तरह से हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करती है। अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज अ सेट ऑफ पीपल हु मेक लॉज, इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों सेट जो हैं मिलकर क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट। अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहते हो कि हाँ जी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट में लॉ मेकर्स भी हैं, एमपीस, इम्प्लीमेंट करने वाले भी हैं, मिनिस्टर्स, और इवन जुडिशरी भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं, जुडिशरी इनको पनिश करती है बाय द डिफरेंट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। तो अब लेजिस्लेचर का मीनिंग लॉ, एग्जीक्यूटिव मीन्स इम्प्लीमेंट, जुडिशरी में आना है जजेस, ठीक है। इसके बाद फिर आपको ये बताना चाहिए कि हमारी कंट्री में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, देन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। इट मींस हमारी कंट्री में पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कई कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहां पे प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है। हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट जो है दैट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, लेकिन कई कंट्रीज में जैसे यूएसए है वहां पे प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, सो इसलिए वहां पे कौन सी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में कौन सी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट इज सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री एंड प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड पार्लियामेंट जो है सुप्रीम लॉ मेकिंग का मतलब होता है लॉ बनाने का जो राइट है वो किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। बिल्स जो हैं वो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद पास होने के बाद ही बिल क्या बनता है, लॉ बनता है, तो दैट इज लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर आता है नीड ऑफ पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, व्हाट डू मीन बाय पार्लियामेंट, व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, है ना। हमने डिस्कस किया कि पार्लियामेंट का मीनिंग क्या होता है, इसके दो हाउसेज होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा राज्यसभा अलग अलग सेपरेट है,
उसके बाद व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकिंग फाइनल अथॉरिटी है। अगर पार्लियामेंट ना होगी, नहीं होगी, तो क्या होगा? सारी पावर्स अगर एक ही पर्सन के हाथ में होगी, वो पर्सन डिक्टेटर बन सकता है, जैसे हिटलर जर्मनी में था। ठीक है, तो वी नीड पार्लियामेंट फॉर मेकिंग लॉज। हमें पार्लियामेंट की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें जो है हमारी कंट्री को क्या बनाने की जरूरत है, लॉ। ठीक है, और अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो सारी पावर्स एक पर्सन के हाथ में होगी और वो पर्सन क्या बन सकता है, डिक्टेटर, और इस तरह से हमारी कंट्री का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वो वैनिश हो सकता है। सो वी नीड पार्लियामेंट फॉर मेकिंग लॉज। देन वी नीड पार्लियामेंट टू कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। आपको पता है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बाय पासिंग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स दे विल बी फ्री टू डू एनीथिंग। तो वी नीड पार्लियामेंट टू कंट्रोल ऑन एग्जीक्यूटिव। हमें पार्लियामेंट की जरूरत है ताकि एग्जीक्यूटिव कौन, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स पे क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो आप बताओगे कि ये हमने पढ़ा हुआ है कि कैसे पार्लियामेंट इनके ऊपर कंट्रोल करती है, बाय आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, एमपीज दे कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, एंड रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट्स वो इंफॉर्मेशन लेते हैं रिगार्डिंग देयर डिपार्टमेंट्स। लाइक एमपी कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट मिनिस्टर, एमपी कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम डिफेंस मिनिस्टर, एंड दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इन दिस वे एग्जीक्यूटिव्स को क्या बनाते हैं, आंसरेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, देन वी नीड पार्लियामेंट टू कंट्रोल फाइनेंस। फाइनेंस को कंट्रोल करती है, मिनिस्टर्स कहाँ पे खर्च करते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे खर्च करते हैं, गवर्नमेंट कहाँ पे खर्च करती है, तो ये सारा मनी बिल और बजट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो वी नीड पार्लियामेंट टू कंट्रोल ऑन फाइनेंस। फाइनेंस पे कंट्रोल करे मनी जो है, ठीक है, मनी जहाँ पे खर्च किया जा रहा है, जितने बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कितना खर्च किया जा रहा है, तो ये सारा जो है वो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा राज्यसभा कंट्रोल करते हैं, मनी बिल बजट के को पास करके, और प्रॉपर डिस्कशन होती है, डिबेट होता है, और उसके बाद जब मनी बिल पास होता है तो ही मनी सैंक्शन की जाती है उन डिपार्टमेंट्स को। एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना खर्च करेगा, उनको सैंक्शन करवाना पड़ेगा थ्रू मनी बिल। डिफेंस अभी आपका 26 जनवरी है तो आप देखोगे दिल्ली में सारा डिफेंस के ऊपर कितना खर्चा किया गया है, डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, तो ये सारा अल्टीमेटली पार्लियामेंट इसको जो है वो ग्रांट देती है, पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट करती है, तो ही ये मनी बिल्स या बजट के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है। तो इट मीन्स वी नीड पार्लियामेंट टू रेगुलेट फाइनेंस, फाइनेंस कंट्री का जो फाइनेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए। देन पार्लियामेंट इज द हाइएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी बड़े बड़े इश्यूज हैं, नेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, सपोज कंट्री में कुछ भी होता है तो हमारी कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, पीपल आर ईगर टू लिसन द डिस्कशन इन द पार्लियामेंट, कि लोकसभा में क्या डिस्कशन हुई है, राज्यसभा में क्या डिस्कशन हुई है, कंट्री से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं उन इश्यूज को पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाता है, और लोग उसकी लाइव टेलीकास्ट सुनते हैं, जिससे कि उनको पता लगता है कि हमने जिनको चुन के भेजा है उनके व्यूज क्या हैं, क्या वो हमारी फेवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस में उनको नहीं वोट किया जाए। और इस तरह से हर मैटर की डिटेल एमपीज या एग्जीक्यूटिव्स या प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक तरह से उनकी डिबेट एंड डिस्कशन के द्वारा हम लोगों को मिलती है। सो दैट्स व्हाई वी नीड पार्लियामेंट। ठीक है, इसके बाद फिर हमने किए थे पावर्स एंड फंक्शन, सेपरेट सेपरेट लोकसभा पावरफुल कैसे है राज्यसभा से, और कंबाइंड पार्लियामेंट के फंक्शंस, दोनों के फंक्शंस आपने कंबाइन अलग अलग करने हैं, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपने कुछ वर्ड्स याद रखने हैं लाइक दोनों की ही, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है लॉ मेकिंग पावर्स, प्रेसिडेंट की लॉ मेकिंग पावर्स क्या है, पार्लियामेंट की लॉ मेकिंग पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस यानी कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कैसे करता है, पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल कैसे करती है, ये हो गया इसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अमेंडमेंट फंक्शन, अमेंडमेंट फंक्शंस का मतलब क्या हो गया, पार्लियामेंट कैसे अमेंड कर सकती है, तो वो पार्लियामेंट का अमेंडमेंट फंक्शन हो गया। फाइनेंशियल पावर्स, पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर्स का मतलब क्या है, कि पार्लियामेंट फाइनेंस और मनी बिल से रिलेटेड पार्लियामेंट की क्या पावर्स है। देन जुडिशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स मतलब पार्लियामेंट की
जुडिशरी से यानी कि जजेस से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलेटेड क्या पावर्स हैं इनको, वो क्या कर सकते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है, दे कैन बी रिमूव, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव इन द पार्लियामेंट बाय पासिंग 2/3 majority. देन इलेक्टोरल फंक्शंस, पार्लियामेंट के इलेक्शन से रिलेटेड क्या फंक्शन है, किन किन को इलेक्ट करने में पार्लियामेंट के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं. एमपीज कैन इलेक्ट देयर स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर. देन एमपीज कैन इलेक्ट प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, ठीक है, और इस तरह से हमारी कंट्री के जो मेन एमपीज हैं या पार्लियामेंट है इनके फंक्शंस अनलिमिटेड है. देन विच हाउस इज मोर पावरफुल, ऑब्वियसली लोकसभा इज मोर पावरफुल क्योंकि ये पॉपुलर हाउस है, डायरेक्ट है, डायरेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे लोग डायरेक्ट होते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है. दे आर आंसरेबल, दे आर नॉट आंसरेबल, दे आर टेम्परेरी, दे आर परमानेंट. मनी बिल हमेशा किस में आता है, पहले लोकसभा में. बजट पहले किस में आता है, पहले लोकसभा में आता है, ठीक है. तो इस तरह से आपने लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स और कौन सा मोस्ट पावरफुल है वो आपने बताना है, ठीक है. इसके बाद देन नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट के फंक्शंस. प्रेसिडेंट के फंक्शंस जो है, प्रेसिडेंट के फंक्शंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट की इनडायरेक्ट होती है, ठीक है. और टर्म जो है दैट इज 5 years, और प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड ऑल द एमएलएज और डिफरेंट स्टेट्स. एंड प्रेसिडेंट की रिमूवल, रिमूवल के लिए क्या होता है इम्पीचमेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में इम्पीचमेंट जो है मोशन होता है. इसका मतलब है 2/3 majority से अगर दोनों हाउस वोटिंग करेंगे तो प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, ठीक है. उसके बाद प्रेसिडेंट के फंक्शंस, प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस या लेजिस्लेटिव फंक्शंस. लेजिस्लेचर मतलब प्रेसिडेंट के लेजिस्लेचर, यानी कि प्रेसिडेंट के लोकसभा और राज्यसभा से क्या फंक्शंस है. प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 members फॉर लोकसभा एंड 12 members फॉर राज्यसभा, ठीक है. देन बिल्स, कोई भी बिल जो है पास होता है, बिल एक्ट तभी बनेगा व्हेन इट विल बी फाइनली पास बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है. तो ये पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स है. इसके अलावा पार्लियामेंट का जो भी सेशन होता है, पहला सेशन होता है, तो उसको प्रिजाइड ओवर कौन करते हैं, प्रेसिडेंट प्रिजाइड ओवर करते हैं, ठीक है. इसके बाद अब प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं उनकी लिस्ट जो है वो प्रेसिडेंट अप्रूव करते हैं, ठीक है. ये हो गया उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ठीक है. देन इसके बाद है फाइनेंशियल पावर्स. प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर्स क्या है, मनी बिल एंड बजट. मनी बिल एंड बजट जो है, जितना भी कंट्री का खर्चा होता है जब तक प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक बिल पास नहीं होंगे. तो ये हो गया उसका फाइनेंस, यानी कि फाइनेंशियल पावर्स, यानी कि मनी बिल और बजट से रिलेटेड पावर्स होते हैं. देन इसके अलावा कुछ एमरजेंसी पावर्स हमने डिस्कस की थी. एमरजेंसी पावर्स के लिए आर्टिकल आपने याद रखने हैं, आर्टिकल 352 नेशनल एमरजेंसी, आर्टिकल 356 जो है दैट इज फाइनेंशियल स्टेट एमरजेंसी है प्रेजिडेंट रूल. देन आर्टिकल 360 क्या है, फाइनेंशियल एमरजेंसी. ये एमरजेंसी प्रेजिडेंट लगाते हैं विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब कंट्री में कंडीशंस नॉर्मल नहीं होती, ठीक है. तो ये थे सारे प्रेजिडेंट, यानी कि पूरा लेजिस्लेचर के पावर्स एंड फंक्शंस. अब आ जाइए एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमने क्या क्या किया है. प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कैसे होते हैं, इलेक्शंस में, लोकसभा के इलेक्शन में जिस पार्टी के लीडर को मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं, सीट्स जीतता है, दैट इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, किसको कैबिनेट बनाया जाएगा, तो ये कैबिनेट भी बीच में ही आ जाएगा. कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे हाई रैंक वाले जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कैबिनेट कहा जाता है, ठीक है. तो कैबिनेट मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा, किसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया जाएगा, किसको डेप्टी मिनिस्टर बनाया जाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर. देन प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने के बाद, ही इज अ चेयरमैन ऑफ कैबिनेट, ऑल द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट आर प्रिजाइड ओवर द प्राइम मिनिस्टर. कंट्री में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले किनको बुलाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर सब मीटिंग करते हैं, ठीक है. देन ही इज ऑल्सो लीडर ऑफ लोकसभा. प्राइम मिनिस्टर जो है वो लोकसभा का भी है, क्योंकि ही इज एमपी, सबसे पहले वो एमपी है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है,
तो वो लोकसभा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा में जितने भी बिल हैं या मनी बिल है या बजट है उसको सारा कंट्रोल करते हैं और उनको पास करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है। देन चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कोई भी एडवाइस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो ये हो गया इनका एडवाइजरी फंक्शंस। देन लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट, कैबिनेट एंड प्रेसिडेंट यानी कि कैबिनेट की मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करते हैं और प्रेसिडेंट के साथ उनकी जो भी बातचीत होती है वो कैबिनेट जो मीटिंग्स होती हैं उनको उनमें बताया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। देन फॉरेन अफेयर्स, हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं, फॉरेन के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी है वो सारा प्राइम मिनिस्टर कंट्री में लेकर आते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ द पार्टी, वो अपनी पार्टी के लीडर भी है, वो अपनी पार्टी, आजकल देखो आप इलेक्शंस के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी को भी प्रमोट कर रहे हैं इलेक्शंस में, तो वो पार्टी के भी लीडर हैं। एंड जो लोग हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर को सुनने के लिए ज़्यादा ईगर रहते हैं, तो आपने हमेशा टेलीविजन में प्राइम मिनिस्टर को बोलते हुए ज़्यादा देखा होगा क्योंकि वो ही इज द यू कैन से रियल एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री। रियल एग्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली हमने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया है तो डायरेक्टली हम प्राइम मिनिस्टर के साथ ज़्यादा जो है वो फेमिलियर हैं बिकॉज ही इज आंसरेबल, ठीक है। तो वो जो भी उनकी पॉलिसीज होती हैं वो टेलीविजन पे या न्यूज़पेपर पे वो सारा जस्टिफाई करते हैं, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं बिकॉज ही इज आंसरेबल। तो ये हो गए सारे प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, क्लियर। इसके बाद इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट जो है इनके एफर्ट से बनती है, अगर ये मिलकर काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली इनका कॉन्फिडेंस जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लोकसभा पास कर देगी इनके अगेंस्ट और इनको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है। उसके बाद हमने किया जुडिशरी, जुडिशरी में हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, देन इसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फंक्शंस सुप्रीम कोर्ट, फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। जब भी हम फंक्शंस करते हैं तो मेनली बेसिकली हमें दो तरह के फंक्शंस याद रखो, ओरिजिनल देन अपेलेट। ओरिजिनल केसेस जो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं, अपेलेट केसेस कौन से होते हैं जो पहले हाई कोर्ट में आते हैं और हाई कोर्ट उनको अपील करता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, उसके बाद वो केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, ऐसे केसेस को बोलते हैं अपेलेट केसेस। सिविल केसेस जिसमें मैरिज, अडॉप्शन या किसी भी तरह से जो है वो क्राइम इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं, सिविल केसेस। तो ये केसेस जो हैं वो पहले हाई कोर्ट में आ सकते हैं, उसके बाद इनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी जा सकती है, ठीक है। देन ओरिजिनल केसेस, ओरिजिनल केसेस का मतलब होता है जब स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एक तरफ स्टेट हो एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट्स जैसे कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है, रिवर को लेकर, रिवर के पानी को लेकर कई बार दो स्टेट्स के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ऐसे डिस्प्यूट्स जो हैं वो सीधा डायरेक्टली कहाँ पे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के पास जो केसेस आते हैं वो उनकी अपेलेट, अपेलेट का मतलब क्या होता है कि पहले वो हाई कोर्ट में आएंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। इसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, दोनों कोर्ट्स में जो भी, ये कॉमन है, दोनों कोर्ट्स में जो भी हियरिंग्स होती हैं, जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि जो लोग लॉ पढ़ते हैं, एडवोकेट्स हैं, वो उन केसेस को पढ़कर आगे जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सके और कल को अगर फ्यूचर में कोई सेम केस उनके पास सेम वैसा ही आता है तो सेम काइंड ऑफ डिसीजंस कैन बी गिवन, ठीक है। इसके बाद आ गया प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी केस सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है वो पर्सन सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट क्या है, दैट इज द एपेक्स कोर्ट है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, एंड सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो एक्ट एज अ इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना। अगर प्रेजिडेंट, लाइक प्रेजिडेंट कैन टेक एनी एडवाइस फ्रॉम द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट,
इनके सीजेआई, सीजेआई मतलब सुप्रीम कोर्ट के होते हैं सीजेआई और हाई कोर्ट के होते हैं सीजे। सीजेआई का मतलब क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो मेन जज होते हैं, और हाई कोर्ट के होते हैं चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जो मेन जज होते हैं, ठीक है। इनके अलावा नंबर ऑफ जजेस आर देयर, ऑल द जजेस दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट कैन टेक एनी एडवाइस फ्रॉम द सीजेआई या जजेस, बिकॉज इनको लॉ की नॉलेज ज्यादा होती है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिटेल में पता होता है, तो प्रेजेंट किसी भी बिल या किसी भी एक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं। वो हो गए सुप्रीम कोर्ट के एडवाइजरी फंक्शन, एडवाइजरी फंक्शन, ठीक है। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस क्या हो गए? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, जो केसेस सीधा आते हैं लाइक स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। नंबर टू अपेलेट, अपेलेट का मतलब होता है ऐसे केसेस पहले हाई कोर्ट में आते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, ठीक है। देन थर्ड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक्ट करता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी केसेस हैं उनको प्रॉपरली जो है उनकी हियरिंग्स को प्रॉपरली नोट डाउन किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि फ्यूचर में लोगों को अगर जरूरत पड़े उस केस को रीओपन करने की या उस केस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेने की, तो ईच एंड एवरीथिंग कैन बी गिवन टू देम, ट्रांसपेरेंसी इज देयर। देन सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी पर्सन इज वायोलेटेड देन द पर्सन कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट जो है दैट आल्सो हैज अ पावर टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? इफ सेंट्रल गवर्नमेंट पासिस एनी लॉ दैट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और दैट इज नॉट एक्यूरेट according to the wording of the constitution, then supreme court can declare that law unconstitutional, invalid, and supreme court can give guidelines to the government to review that. Review that matlab usko dobara se uske upar socha jaye, uski wordings ko constitution ke according change kiya jaye, taki jinke liye wo law pass kiya gaya hai unko liye wo proper effective ho. Aur aise mein government ko fir kya karna padta hai? Review karna padta hai, kyunki supreme court ka order hai, government yani kaun follow karegi? लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा उस बिल को फिर से रिव्यू करेंगे, उसके ऊपर फिर से डिबेट एंड डिस्कशन होगा, वोटिंग करवाई जाएगी, बिल पास करवाया जाएगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। और अल्टीमेटली जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसे सेटिस्फाई नहीं होता तब तक सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करने के लिए कह सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की पावर, इस पावर को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब ये है कि वो इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारी कंट्री में तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो डिक्टेटर नहीं बन सकते, इनको किसी ना किस तरह से कंट्रोल किया गया, चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि हर पर्सन को कहीं ना कहीं कंट्रोल किया गया। प्रेसिडेंट को कंट्रोल किया गया है, प्रेसिडेंट की सारी पावर्स कौन यूज करते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एमपी कोई गलती करता है या राज्यसभा का एमपी कोई भी गलती करता है तो उसको रिजाइन करने के लिए कहा जा सकता है, पूरा हाउस उनके अगेंस्ट वोटिंग कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कुछ भी गलती करते हैं तो प्रेसिडेंट जो है उनको जैसे कहते हैं कि रिजाइन करने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। या फिर लोकसभा में इनके अगेंस्ट वोटिंग हो सकती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लोकसभा के मेंबर्स कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो ये उनको कंट्रोल करते हैं। देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी डिक्टेटर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं, इफ दे आर अगेंस्ट या दे आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, देन इनको कहाँ पे हटाया जा सकता है? लोकसभा एंड राज्यसभा में इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट जो है वो फाइल किया जा सकता है, वोटिंग करवाई जा सकती है। अगर प्रेजिडेंट कोई गलती करते हैं तो उनको इम्पीचमेंट के द्वारा भी यहाँ पे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेजिडेंट। प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, बट वंस दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट दे आर इंडिपेंडेंट। उनको इंडिपेंडेंट रखा गया है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वो इसलिए किया गया है ताकि जजेस कल को कोई भी डिसीजन दे, कुछ भी किसी भी पर्टिकुलर केस की हियरिंग या किसी भी केस से रिगार्डिंग, वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या लोकसभा राज्यसभा के मेंबर से किसी भी तरह से एडवाइस नहीं लेंगे। दे आर इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन बिकॉज उनको लॉ की नॉलेज ज्यादा है। देखा जाए तो एक एमपी, एक मिनिस्टर और एक जज में से कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज किसको ज्यादा होगी? जज को होगी,
तो वो क्यों एमपीज और मिनिस्टर्स की हेल्प लेंगे? ठीक है, तो दे आर फ्री टू टेक देयर डिसीजन. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इन आवर कंट्री देयर इज अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी. जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है किनके कंट्रोल से? एमपीज मिनिस्टर्स के कंट्रोल से, ताकि वो अपना फेयर डिसीजन ले. ठीक है, और उनकी मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, उनका रिमूवल, उनकी जो जो मेन उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, ये सारा हमने डिटेल में किया है. इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में जो जजेस हैं उनकी हाईली क्वालिफिकेशन होती है, सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जजेस की रिटायरमेंट एज भी बहुत ज़्यादा रखी गई है ताकि उनको रिटायरमेंट के बाद किसी और जगह काम करने की जरूरत ही ना पड़े. 65 ईयर्स रखी गई है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड 62 रखी गई है जज ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है, इसके बाद फिर हमने किया था लोक अदालत एंड PIL. लोक अदालत क्या होती है? जो स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक जिसमें कहते हैं कि कोर्ट की जो प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर से लोगों को बचाने के लिए दो तीन डिपार्टमेंट्स लिखते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस या टेलीफोन बिल्स के रिगार्डिंग. देन PILs क्या होती है? PIL काइंड ऑफ रिटर्न एप्लीकेशन, जो किसी पर्सन, अगर किसी पर्सन, कोई पर्सन जो है उसके पास मनी नहीं है तो वो पर्सन किसी NGO किसी इंस्टीट्यूशन की हेल्प ले सकता है, वो पर्सन उसके बिहाफ पे केस फाइल कर सकता है, उसको बोलते हैं PIL. ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हमारी कंट्री में जो बहुत पुअर पीपल है उनको जस्टिस प्रोवाइड किया जाए. सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दैट इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन. क्लियर? हाँ जी.